अजमेर मुस्लिम एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य आरिफ हुसैन ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी अजमेर ब्यावर केकड़ी तीन जिलों के विद्यार्थियों को जिन्होंने 10th, 12th और 80% या उससे अधिक एजुकेशनल और पोस्ट ग्रेजुएशन में 70 या उससे अधिक कोई भी डिप्लोमा जिसमें 70% अंक प्राप्त किए हों, खेलकूद में जिन्होंने जिला स्तर पर विजेता उपविजेता रहे हो या राज्य स्तर राष्ट्रीय स्तर पर भाग लिया हो या अन्य कोई विशिष्ट उपलब्धि हासिल की हो, ऐसे होनहार बच्चों को हौसला अफजाई के लिए जवाहर रंगमंच अजमेर में सोसाइटी की तरफ से मुस्लिम प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्रोग्राम का आगाज मेहमानों ने इल्म की समझ जलाकर किया। इसके बाद ख्वाजा मॉडल स्कूल के विद्यार्थियों ने दुआ का प्रोग्राम किया। तिलावत कुरान मौलाना मोइनुद्दीन रिजवी ने की। प्रोग्राम में मेहमान ने खुसूसी के रूप में वक्फ बोर्ड राजस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर खानों खान बुधवारी, मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष MD चौबदार, कार्यक्रम की अध्यक्षता अंजुमन सैयद जदगान ने, सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में अंदर मोहतरमा नसीम अख्तर, इंसाफपूर्ण शिक्षा राज्य मंत्री राजस्थान सरकार महमूद खान, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर हाजी गोज मोहम्मद, विकास ट्रांसपोर्ट नगर समाज सेवी चांद मोहम्मद शेख, वरिष्ठ पत्रकार जयपुर डॉक्टर इमरान खान, शिक्षा विभाग से साबुद्दीन चिता आदि ने विद्यार्थियों को समृद्धि चिन्ह प्रमाण पत्र और गले में मेडल पहनाकर बच्चों को सम्मानित किया। पिछली बार दूसरे में था, मेरे से पहले समर साहब ने लंबा चौड़ा भाषण दिया, बहुत अच्छी स्पीच दी आपको, बहुत कुछ समझाने की कोशिश की और महमूद साहब के बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे मोटिवेशन स्पीकर हैं। और आज लाइट का थोड़ा मामला था और अभी भी अगर उनको टाइम मिलता और उनको लाइट की व्यवस्थाएं होती, आप लोग और हम लोग सब कोऑपरेट करते तो वो एक घंटे नॉन स्टॉप बोलने वाला बनता है। बच्चों को मोटिवेशन देना, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, मैंने ऐसा पुलिस ऑफिसर पहली बार देखा है। सीकर के भाई चौहान साहब की एक एक्सीलेंस गर्ल्स स्कूल चलती है, बहुत बच्चियां हैं, उस बच्चियों के प्रोग्राम में मैंने आज से 6-7 साल पहले इनको उस प्रोग्राम में सुना और आज दूसरी बार उनको सुनने का मौका मिला। मैं इस मंच से बहुत ज्यादा बात में के इतनी कहने चाहूंगा कि अभी सरवर साहब की भी शिकायत थी और सभी की शिकायत थी कि साहब लड़कियों का रेशियो तो बहुत ज्यादा हो गया और आप फारसी उर्दू अरबी भाषा के बड़े विद्वान हैं और चांद मोहम्मद साहब के लिए जो MD भाई ने जो जिस तरह से जिक्र किया और जो आपका भी जो वर्ग है आरिफ साहब, भास्कर और हिदायतुल्ला भाई दोनों ही पत्रकार बड़े लोग हैं, मेरे पुराने साथी हैं, डॉक्टर इमरान गफार कादमी साहब, रियाज मंसूरी जी, अयूब साहब उटड़ा, फिरोज भाई जो मेरे साथ प्रयाना वक्फ बोर्ड के सेक्रेटरी भी हैं भरतपुर से और इस प्रोग्राम में भी मदरसा बोर्ड के जो MD भाई बार बार उनको डायरेक्शन दे रहे थे, मेरे अल्पसंख्यक के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं जब मैं पहली बार अल्पसंख्यक राजस्थान का जो माइनॉरिटी का चेयरमैन बना आरिफ भाई और तमाम जो यहाँ इस डाइस पे तशरीफ फरमा सामने बैठे हुए मेरी बहन बेटियां और नौजवान साथियों और पत्रकार साथियों, देखिए बड़े बड़े दिग्गज जो महमूद साहब, सरवर साहब, MD भाई बहुत सारे बोल चुके हैं। हर साल की तरह इस साल भी अजमेर मुस्लिम एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड का पूरे ज़िले भर के जो मुस्लिम कौम के मुस्लिम प्रतिभाएं जिन्होंने 10th, 12th के अंदर 80%, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर 70% और कोई भी डिप्लोमा अगर किया हो, इंजीनियर, BTech, नर्सिंग, BEd जो भी अगर किया हो उसके अंदर 70% से अधिक अंक प्राप्त करे हों, ऐसे विद्यार्थियों को, और दूसरी चीज़ कि जिन्होंने खेल के अंदर अपना उत्कर्ष योगदान दिया हो, जिसने जिला स्तर पर विजेता और उपविजेता रहे हो, राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर पार्टिसिपेट किया हो और जिनकी नई नौकरी लगी हो या कौम के अंदर कोई ऐसा काबिलियत वाला काम किया हो, ऐसे तालिबे इल्म को आज जवाहर रंगमंच अजमेर के अंदर करीब 350 जिले भर की प्रतिभाएं जो ब्यावर और केकड़ी के अंदर भी बच्चे इसके शामिल हैं और इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए
आज अजमेर के अंदर मेहमान खुसूसी के रूप के अंदर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर खानुखा बुधवाली साहब, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन एमडी चौकदार साहब और मेहमान एजाजी के रूप के अंदर आज हमारे बीच सरवर चिश्ती साहब जो अंजुमन सैयद यादगान के सचिव हैं और महमूद खान साहब जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं और उसके बाद हमारे राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री नसीम अख्तर इन साहब, विकास ट्रांसपोर्ट के हमारे हाजी गौस मोहम्मद साहब और डॉक्टर इमरान साहब न्यूरोसर्जन और जयपुर से चांद मोहम्मद साहब जो चीफ एडिटर हैं और एमपीएससी के सोशल वर्कर हैं, आज उन्होंने काफ़ी मोटिवेशनल स्पीच यहाँ विद्यार्थियों को दी है और उनके अंदर आज जो जोश पैदा हुआ और आज बच्चों के अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा हुई। हमने ये 22 साल पहले, मतलब टोटल आज 24 साल हो गए, 2 साल कोविड को छोड़कर 22वां मुस्लिम प्रतिभा सम्मान समारोह है। इसके अंदर पूरे ज़िले भर से आते हैं और इतनी हौसला अफजाई के लिए प्रोग्राम है और आगे इन बच्चों की हम काउंसलिंग और अन्य कई चीज़ों के अंदर मदद करते हैं जो आज देश का भविष्य बनेंगे आगे जाकर, इसलिए इनकी हौसला अफजाई करते हैं। अजमेर मुस्लिम एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी हमेशा ऐसे प्रोग्राम आयोजित करती रहती है। आरिफ हुसैन, सदस्य।